हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नमिता स्टेनो में। ये जो डिक्टेशन है 30 वर्ड पर मिनट का स्टेनो डिक्टेशन है, साथ में टाइपिंग डिक्टेशन है। आप दोनों में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, स्टेनो के लिए और टाइपिंग के लिए, तो इसके लिए आपको एक ही डिक्टेशन का बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपकी एक ही वर्ड बार बार रिपीट होंगी, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि वो वर्ड जो है वो आपको याद हो जाएंगी। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, जिससे आगे कोई भी आप डिक्टेशन लिखेंगे तो जब भी ये वर्ड आएंगे तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं स्टोनो या टाइपिंग के लिए, तो जॉब एलर्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, 1 सेकेंड मात्र लगेंगे। सब्सक्राइब करने में लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करूँगी, 3 तक काउंट करूँगी। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, समाज में जैसे तैसे जीवन निर्वाह करने की मानसिकता ने काफी नुकसान किया है, फलतः जीवन में उत्साह वह आगे बढ़ने की ललक आम लोगों में नहीं पनप पाती। इस प्रकार आम व्यक्ति प्रगति व विकास के प्रति उदासीन रहता है। इस उदासीनता का कारण वह परिणाम व्यक्ति का भाग्यवादी होना है। हमारे देशवासी आज भी बुनियादी समस्याओं से ग्रसित हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण बच्चों के विकास पर ध्यान न देकर उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने साथ काम पर लगा देते हैं। फलतः बच्चों की दिशा ही बदल जाती है। जहाँ बच्चों के खेलने, पढ़ने, खाने व पीने के दिन होते हैं, ऐसे में बच्चों पर जिम्मेदारी, प्रताड़ना, उपेक्षा, आदेशों की बौछार पड़ने लग जाती है। गरीबी के कारण हीनता पनपती है, फलतः गरीब लोग अपने जीवन को अंधकार में मान कर चलते हैं। वे जो कार्य कर रहे होते हैं उसी में अपने छोटे
छोटे बच्चों को लगा देते हैं। बच्चे भी माता पिता के प्रति अलगाव व ममतावश साथ साथ कार्य करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। माता पिता उन कुप्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं जो कि बच्चे को श्रम कार्य पर लगाने के बाद बालकों को भुगतने पड़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति के वशीभूत होकर सब कुछ अपनी नियति मान बैठता है। फलतः बाल श्रमिकों में भी उनके माता पिता द्वारा हीनता के संस्कार ही पड़ते हैं। सब कुछ सहन करने की मानसिकता बन जाती है। अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता व भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होता है। फलतः बच्चों के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। बाल श्रमिकों की समस्या के बढ़ने का सीधा तात्पर्य है कि हम अपने देश के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। समाज में किसी भी वर्ग का शोषण होता है तो वह राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता व शांति के लिए चुनौती बन जाता है। बाल श्रमिकों के शोषण पर यथासंभव प्रभावी नियंत्रण नहीं लगेगा तो इस शोषण का कुप्रभाव शांत क्षेत्रों को अशांत करने में होगा, जिसके लिए पूर्ण रूपेण हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। लंबे समय तक शोषण कोई सहन
नहीं कर सकता, उसका परिणाम यह होता है कि मरता क्या नहीं करता। यह हमारी भावी चुनौतियां है। अब प्रश्न उठता है कि बाल श्रमिकों की समस्या का न्यायोचित समाधान कैसे होगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि बाल श्रमिकों की समस्या का निदान अल्पकाल में संभव नहीं है, फलतः हमारे जैसे परिस्थिति वाले देश के लिए बाल श्रमिक समस्या का समाधान अल्पकाल में होना असंभव सा है, किंतु यह संभव है कि इस लंबित समस्या के समाधान हेतु एक दृढ़ कार्य योजना तैयार करके इस समस्या मात्र सरकारी कानूनों से नहीं हो सकता। निर्धन लोगों के बच्चों के पुनर्वास की व्यापक योजना भी बनाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड, ये था 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्टेनो डिक्टेशन। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक।